बिना तो क्षमा किए जा सकते, लेकिन पाप ने क्या देखने आए हो आप? क्या देखने आए? किसकी शूटिंग चल रही है? अनुज शर्मा का। क्या फिल्म का नाम? फिल्म का नाम तभी मालूम है कि सर जैसे करना बे। प्रेम के बनना। क्या करते हो आप लोग? सब्जी अब्जी बेचते हैं। लास्ट फिल्म कौन सी देखी थी आपने? अभी वो छैया भूया पहले देखी थी, हम लोग अभी नहीं देखे हैं। कैसी फिल्म लगती है आपको? अच्छी लगती है, उसके नाम से देखने आए हैं। अनुज शर्मा को कब से जानते हो, कब से देख रहे हो? बचपन से जानते हैं, जब से उसका पिक्चर शुरू है तब से। तो अगर सलमान खान और अनुज शर्मा आसपास खड़े हों तो किसको पसंद करोगे? अनुज शर्मा को। सलमान खान को नहीं करोगे बॉडी शॉडी? नहीं नहीं, वो अपना है, वो अपने इधर के करेंगे पसंद। अच्छा, कितनी फिल्में देखते हो आप? हर छत्तीसगढ़ी सब फिल्में देखते हैं। अच्छा, इसके अलावा और कभी जो एल्बम्स रिलीज होते हैं छत्तीसगढ़ी में वगैरह देखते हैं? सब अपना मोबाइल में उसका। आप देखते हो फिल्में? देखता हूँ। अभी क्या हो रहा है यहाँ पर, कौन सी फिल्म की शूटिंग चल रही है? अभी तो यहाँ कोई शूटिंग वूटिंग नहीं चल रही है, अभी ये वाला कौन सा शूटिंग चल रही है। कब से इसको देखने आते हो? देखने आ रहे हो? अनुज शर्मा से मुलाकात हुई है आपकी? हाँ सर। कैसे हैं वो, आपको क्यों पसंद है उनकी, क्या चीज़ आपको पसंद है? एक्टिंग बहुत पसंद है। अच्छा पसंद है। अच्छा, मुलाकात हुई है आपकी? हाँ। कभी फ़ोटो खिंचवाया उनके साथ? आमिर खान और सलमान खान और अनुज शर्मा, तीनों अगर एक साथ खड़े हो सबसे पहले किसका ऑटोग्राफ लोगे? अनुज शर्मा, छत्तीसगढ़ी हीरो है। अभी यहाँ क्या चल रहा है? शूटिंग चल रहा है। आप देखने आते हो रोज? रोज तो नहीं आता। किसकी किसको देखने आए आप यहाँ? किसको देखने आए हो आप यहाँ पर? फिलहाल शूटिंग देखने आया हूँ। अच्छा, हीरो और हीरोइन को जानते हो क्या? नहीं नहीं जानता। क्या चार्जिंग शूटिंग होगा?
आपकी भूमिका क्या है इस फिल्म में? मैं इसमें अनुज जी का बड़ा भाई बना हूँ। पॉजिटिव रोल है? पॉजिटिव। किस तरह का रिस्पॉन्स रहता है, किस तरह के वो परेशानियों का सामना करना पड़ता है इस तरह की, जब फिल्मों की शूटिंग पे जाते हैं आप और बनाते हैं? हमें अपने लिए कुछ अब लगता ही नहीं है कि कोई ऐसा कोई परेशानी महसूस नहीं होती। कैसा रिस्पॉन्स रहता है फिल्मों का? यही काम कर रहे हैं, ये तो हमारा प्रोफेशनल काम है। कितना मतलब कितनी फिल्मों में काम कर चुके होंगे आप? मैं कम से कम 36-38 फिल्मों का। रिस्पॉन्स कैसा रहा है, आपके कैरेक्टर को रिकॉग्निशन मिला लोगों के बीच में, आपकी पहचान बनी? तो फिल्म रिलीज होगी तो फोन में आएगा क्या रिस्पॉन्स? अच्छा लगा भाई। आपकी भूमिका क्या है इस फिल्म में? जी मेरी भूमिका अनुज के पिता की है, पॉजिटिव जी। इस तरह की फिल्में जब शूट करने जाते हैं आप, तो आपको एक कैरेक्टर रिकॉग्निशन भी मिलता है लोगों के बीच में, लोग आपकी एक पहचान बन पाती है, लोग समझ पाते हैं? हाँ बिल्कुल बनती है। हम लोग तो रंगमंच से शुरू से रंगमंच से जुड़े रहे हैं, अभी तनवीर साहब के साथ, उसके बाद फिल्में आई तो फिल्मों से जुड़े। छैया मैया पहली फिल्म थी मेरी जिसमें प्रिंसिपल की भूमिका, उसके बाद मोर संग चलो छत्तीसगढ़ महतारी में विलेन और टूरा रिक्शा वाला में विधायक, सारी भूमिकाएं। सज्जम और में फिर अनुज के मतलब पाल पोस के बड़ा किया था, पिता की भूमिका समझ मेरी बेटी से शादी होती है, वो इस तरह से काफी फिल्में हो गई हैं। मजेदार एक रोल है, मजेदार बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कैरेक्टर है इसमें। पिता पुत्र का जो रिश्ता है चुहलबाजी का, और कॉमेडी भी है और हंसी मजाक, एक संबंध को दर्शाया गया है बहुत अच्छे तरीके से। बहुत बहुत पारिवारिक, बहुत अच्छी फिल्म है और इसमें आपको सब चीज़ें मिलेंगी। इसमें फाइट भी है, इमोशंस हैं, सारी चीज़ें मिलेंगी, कॉमेडी है, बहुत मज़ा आएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें इसके कॉमर्शियल ऑब्जेक्ट की, सारी फिल्मों की, नॉट पर्टिकुलर दिस, सारी फिल्मों में छत्तीसगढ़ी जो फिल्में बनती हैं उनके कमर्शियल ऑब्जेक्ट्स को कैसे आप डील करते हैं, कैसे इनके खर्चे को एकोमोडेट करते हैं, कैसे मतलब रिस्पॉन्स निकलता है? कई बार लॉसेस भी आते होंगे? आते हैं, लेकिन देखिए मैं मेरा कहना ये है कि आप अच्छी फिल्में बनाएंगे निश्चित ही फिल्में चलेंगी। और अनुज तो यहाँ के सुपरस्टार हैं, मजे हुए, उनकी मैक्सिमम फिल्में बहुत अच्छी रहती हैं, अच्छी कहानी रहती है। अच्छा, सारे कोई स्टार अच्छे हैं, ये फिल्म निश्चित चलेगी, आप मान के चलिए। क्या भूमिका है आपकी फिल्म में? मैं इस फिल्म में खलनायक की भूमिका में। अच्छा, तो आप अभी हीरो को मारने वाले हैं? अभी तो नहीं, लेकिन कल परसों से शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये फाइटिंग के सीन्स वगैरह कोई प्रोफेशनल्स में हायर करते हैं या कैसे करते हैं फाइटिंग के सीन्स? तो कैसे बनती है? अबे नीरज से आते हैं फाइट मास्टर, मेरे ख्याल से साउथ से आ रहे हैं। क्या रोल है आपका इसमें? इस तरह की फिल्में जब आपने की होंगी और भी जितनी फिल्में की, कैसे रिस्पांस रहता है इन फिल्मों का, लोगों का, फिल्मों का रिस्पांस कैसा आता है कमर्शियल ऑब्जेक्ट्स अगर देखें तो? देखिए, बहुत कम फिल्में की हैं मैंने और जहाँ भी काम किया है लोगों ने पसंद ही किया है। और बस वही, क्योंकि मैं चुन के उठाती हूँ फिल्में, तो फिल्मों का मतलब स्क्रिप्ट के हिसाब से वो भी अच्छा ही रहता है, डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं कुछ भी फिल्में अच्छी लेती हूँ, तो ये फिल्म में वैसी ही है। और इसको क्या बोलना चाहिए, उम्मीद करती हूँ कि लोग इसको ही पसंद करेंगे। यानी छत्तीसगढ़ी फिल्मों का दिन बहुत अच्छे आने वाले हैं और बहुत अच्छा वक्त कह सकते हैं इसमें। इसमें अगर हम देखें लोग बहुत पसंद करते हैं चीज़ें, मतलब कई स्क्रीन्स में आप रिलीज़ होने लगी हैं, एक साथ का कॉन्सेप्ट भी अभी बात कर रहे थे हम अनुज जी से, तो उन्होंने बताया कि 35 स्क्रीन्स में एक फिल्म रिलीज़ होने जा रही है जो रिकॉर्ड होगा अपने 17 के बाद, अभी तक 17 स्क्रीन्स हुई थी। तो क्या लगता है इससे कुछ कमर्शियल बूस्ट आएगा? बिल्कुल, लोग अब सजग हो रहे हैं, फिल्मों को लेके पसंद करने लगे हैं, आर्टिस्ट लोग काम बेहतर करने लगे हैं, प्रोडक्शन और डायरेक्शन के हिसाब से भी लोग काफ़ी अच्छा रोल
काम रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स भी मिल रहा है उनको वैसा, तो डेफिनेटली हम लोग के लिए ये एक अच्छा इंडिकेशन है और हम लोग को एक मोटिवेशन मिलता है बिल्कुल कि हम भी और बेहतर और बेहतर बहुत और प्रोफेशनली इसको ड्राइव करें। थैंक यू। आपकी फिल्म में क्या भूमिका है? मेरी इसमें मैं ये अनुज जी जो रोल कर रहे हैं मैं उनके दोस्त का रोल कर रहा हूँ। मेरा फिल्म में किरदार का नाम है गब्बर। तो ये गब्बर मतलब क्या शोले से उठाए हुए गब्बर टाइप? शोले से गब्बर नहीं है, ये एक्चुअली नाम तो राइटर रखता है जो स्टोरी लिखता है, तो उसने ही ये नाम उसको अच्छा लगा गब्बर, क्योंकि वो जो मेरा कैरेक्टर है वो कॉमेडी कैरेक्टर है तो विलेन का नाम रख दिए तो अच्छा लगेगा, एक्सपेरिमेंटल है। अभी तक की जो फिल्में रही हैं इनमें कैसा रिस्पॉन्स आपका रहा है, आपकी फिल्मों को लेकर या आपका अनुभव कैसा रहा है छत्तीसगढ़ी? हर फिल्म शून्य से स्टार्ट होती है, हर फिल्म का कहानी होता है, हर फिल्म की स्टोरी नई होती है, तो हमारे लिए हर फिल्म एक नया एक्सपीरियंस होता है। हर फिल्म जीरो से स्टार्ट होती है और 100 में खत्म होती है। इसका कमर्शियल अगर देखें हम सारी छत्तीसगढ़ी फिल्मों का, तो पिछले अगर 15 सालों का एनालिसिस करें तो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है दर्शक वर्ग, और कमर्शियली इनमें थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, प्रोफेशनलिज्म बढ़ रहा है। नहीं देखिए इंडस्ट्री तो हमारी, हम लोग खून पसीना खींच के इसको डेवलप कर रहे हैं, बट क्या है गवर्नमेंट का कोई थोड़ा सा भी सहयोग जो है वो फिल्मी कलाकारों को या टेक्नीशियन को या प्रोड्यूसर को डायरेक्टर को नहीं है। अगर गवर्नमेंट भी कुछ सहयोग, फिल्म विकास निगम बना दे, फिल्म सिटी बना दे, सब्सिडी दे, तो क्या है कि ये रीजनल लैंग्वेज मूवी या सिंगल स्क्रीन 35 सेंटर है मात्र पूरे छत्तीसगढ़ में, तो वो डेवलप हो, थोड़ा सा डेवलप हो जाएगा, तो शासन का थोड़ा सा रुझान और छत्तीसगढ़ी सिनेमा की ओर होना चाहिए। इसमें आपकी भूमिका क्या है? इसमें मैं मेन विलेन का, एक सेकंड यार, ऐसे नहीं करना चाहिए सांस से रास्ते, एक सेकंड स्टॉप, प्लीज 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 डोंट वरी फिर आप कैसे ड्रॉप करेंगे? कर लूंगा मैं, आप करिए। इसमें मैं मेन विलेन का भूमिका, अरे विलेन नहीं बोलते रे पागल, इससे पहले किस तरह की फिल्मों में? अब नहीं नहीं अभी आने दीजिए, अब वो पूरे ही वैम बोलते हैं वैम, आपको डिस्टर्ब कर। आपकी भूमिका क्या है? करना तो इसमें मैं अनुज की भाभी की माँ का रोल कर रही हूँ, इसमें भी हम दोनों खलनायिका, माँ बेटे और बेटी तीनों खलनायिका का रोल। ये आपकी बेटी है और आप माँ बनी है, अनुज जी की आप भाभी बनी है। हाँ, वो मेरी बेटी भाभी बनी है, भाभी आप हैं और उनकी माँ आप हैं, यानी पूरा मेलो ड्रामा, पूरा पारिवारिक ड्रामा। ये फिल्म कब से शूट कर रहे हैं, कब तक रिलीज करने का ऑब्जेक्ट है, किस तरह की फिल्म है ये? छत्तीसगढ़ी की अपनी एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसको छत्तीसगढ़ के माटी से जोड़ के बनाया गया है। ये छत्तीसगढ़ी फिल्म है और इसको छत्तीसगढ़ की मार्केट भी से जोड़ के बनाया गया है, और इस फिल्म की सबसे अच्छी बात है इसमें एक बॉलीवुड के जो सबसे बड़े गायक है उदित नारायण जी, उन्होंने इसमें प्लेबैक किया है, और इस फिल्म की शूटिंग अपन 10 नवंबर से शुरू किए और ये जुलाई अगस्त में रिलीज जाएगी। और इसमें जो कलाकार लेते हैं, मतलब आपकी ये और भी फिल्में इससे पहले रिलीज़ हुई होंगी, कैसा अनुभव रहा है और इस फिल्म को लेकर कैसा अनुभव रहा है? मेरी जो पिछली फिल्म थी चंदू और चांदनी, उसमें हमने बॉलीवुड के 3 आर्टिस्ट लिए थे और उसका हमको अच्छा रिजल्ट भी मिला। बिलासपुर में हमारी पिक्चर 50 दिन कम्प्लीट की और इसमें भी हमने छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े स्टार अनुज शर्मा के लिए है, और उम्मीद कर रहे हैं कि ये भी पिक्चर अच्छी और हो सकता है 100 दिन भी चले। पिछले 15-16 साल में अगर हम पूरा रिव्यू करें छत्तीसगढ़ी फिल्मों का, तो कैसा रिस्पांस रहता है फिल्मों का दर्शकों की तरफ से, दूसरा बाज़ार किस नज़रिए से फिल्मों को देखता है? बाज़ार अगर बोलेंगे तो छत्तीसगढ़ में टेरेटरी कम है, मतलब पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 37 थिएटर हैं जहाँ पिक्चर रिलीज होती है, और उस हिसाब से बजट ज़्यादा तो लगा नहीं सकते, कम बजट में पिक्चर आनी पड़ती है और बहुत कम्प्रोमाइज करके पिक्चर आनी पड़ती है, तो ज़्यादा अच्छी पिक्चर हम नहीं बना पाते, लेकिन बहुत सारी पिक्चरें हैं जो अपने बजट से बहुत अधिक मात्रा में कलेक्शन लिया है। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एकहरी स्क्रीन्स पर ही ज़्यादातर आपकी फिल्में होती हैं, मल्टीप्लेक्सेस में अभी फिल्में नहीं है और
गवर्नमेंट से अगर हमको कुछ फ़ायदा मिला, अगर गवर्नमेंट हमारा सपोर्ट करी तो हो सकता है आगे चलकर ये साउथ के जैसा कुछ हो सके। गवर्नमेंट्स किस तरह के सपोर्ट की अपेक्षा करते हैं? अभी एक चल रहा है प्रोग्राम जिसमें आपका छत्तीसगढ़ी फिल्म विकास निगम बनाने की बात चल रही है और आश्वासन दिया गया है और यदि ये बन जाती है तो और फिल्मों को सब्सिडी मिलना शुरू हो जाएगी, इससे फिल्म इंडस्ट्री को बहुत सपोर्ट मिलेगी। और होप्स हो कि आपका जो आने वाला दौर है छत्तीसगढ़ी फिल्मों का वो एक नए आयाम रचे। क्या ऐसा लगता है कि इसका दायरा अगर बढ़ाया जाता है, यानी बात की जाती है जबलपुर तक छत्तीसगढ़ी भाषा को बोली को समझा सुना जाता है, जबलपुर से करीब 100 किलोमीटर पहले तक इस बोली के बोलने वाले भी थोड़े से मिल जाते हैं, बहुत तो नहीं लेकिन फिर भी बोलते हैं समझते हैं, मंडला तो कम से कम छत्तीसगढ़ का एक अच्छा प्रभाव है, उमरिया है, शहडोल है, तो दायरा बढ़ाने की आवश्यकता लगती है कि वहाँ भी आपको अपनी यदि इसको MP और छत्तीसगढ़ में दोनों जगह ही ढूंढने लगी पिक्चर तो पिक्चर की बजट की जो प्रॉब्लम है जो हम लोग बहुत कंजस्टेड करके बहुत कम में बनाने की कोशिश करते हैं, इसको बढ़ाया जा सकता है और बढ़ाने से पिक्चर अच्छी बनेगी और इससे फिर हो सकता है कलेक्शन और ज़्यादा एकदम ब्लास्टिंग हो जाए। छत्तीसगढ़ी फिल्मों का अपना एक संसार है, करीब 17-18 साल से लगातार फिल्में बन रही हैं, ऐसे तो कहने को कही देवे संदेश इस दौर की एक ऐसी फिल्म जो करीब 50 साल पहले यहाँ बनाई गई थी, उसके बाद से एक वैक्यूम आया, फिर 2000 के बाद से फिल्में जैसे राज्य बना तो फिल्में बनना शुरू हुई और काफ़ी एक बड़ा व्यवसाय धीरे धीरे करके ये रूप ले रहा है। हालांकि अभी भी बहुत सी चीज़ें हैं जो बना पाती हैं लेकिन बड़े व्यापक स्तर पर लोग चीज़ों को पसंद कर रहे हैं, बड़ा एक दर्शक वर्ग खड़ा हो रहा है और कमर्शियली भी अब फिल्में जो हैं कमाल लगी। हमारी बात हो रही थी कि इस इन फिल्मों से जुड़े हुए जो लोग वो एक तरह से अपने किसी दूसरे व्यवसाय में भी लगे हुए हैं, कोई अपनी दुकान है, किसी का कोई व्यवसाय है, कोई किसी नौकरी में, लेकिन उनका एक जज्बा है, एक उनका एक सुकून है अंदर का, वो उसको कर रहे हैं और इस तरह की एक इंडस्ट्री यहाँ पर तैयार हो रही है छत्तीसगढ़ी फिल्मों की जो अपने आप में देश के अंदर एक उदाहरण बनेगी, जहाँ ऐसे पेशेवरान लोग इकट्ठा हुए हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से हैं लेकिन सिर्फ कला के लिए जीने आए हैं, कला के लिए चलने आए हैं। बहुत बड़ा कमर्शियल सिनेमा नहीं है, कोई ये नहीं कहता कि पहले हफ्ते में सलमान खान की फिल्म की तरह करोड़ों का कारोबार करती हूँ या लाखों का कारोबार करती हूँ, बहुत छोटी सी राशि से कारोबार करती हूँ लेकिन जज्बा इनका सलाम है। मैं वरुण सखा जी, पत्रिका न्यूज़। लवली, ये आपकी छत्तीसगढ़ी कौन सी फिल्म है और कैसा आपका एक्सपीरियंस है? ये मेरी फोर्थ फिल्म है, सो आई वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस फिल्म एंड इसमें काफ़ी सारे शेट है, आई एम वेरी फॉर्चुनेट, थैंक यू फॉर ऑल जिन्होंने मुझे कास्टिंग किया इसमें एंड यस आई एम वेरी एंजॉयिंग दिस। क्या लगता है इस तरह की फिल्में जब आप आते हैं रीजनल सिनेमा में आते हैं तो क्या एक्सपीरियंसेस आपके होते हैं लोकल लोगों को लेकर के, लोगों को रिस्पांस देखते हुए कैसा लगता है? ये तो एक रिस्पांसिबिलिटी होता है एज एन आर्टिस्ट कि आप हर शेड में आप काम कर सको, वो एक चैलेंज भी होता है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है रीजनल पिक्चर जब मैं करती हूँ, काफ़ी लोगों से इंट्रोड्यूस होता है, काफ़ी जो एक्टिंग का जो स्टेफ है वो काफ़ी लेवल में होता है, सो इट्स नाइस। यू आर बेसिकली फ्रॉम? आई एम फ्रॉम कोलकाता, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कोलकाता, नाउ आई एम सेटल्ड इन मुंबई। देन व्हाट आर यू डूइंग देयर? Sorry? What are you doing there in Mumbai? Here, I'm doing feature film also and I'm doing modeling. कोई ऐसी फिल्म जो अभी तक viewers के ज़हन में mark की हो, Mumbai based? Mark तो मेरी जो first film थी उड़िया movie जिस Romeo the Lover, this is my milestone I must be say. So this is very nice movie. छत्तीसगढ़ के सुपरस्टार अनुज जी, जी ये बताइए ये फिल्म की शूटिंग कब से चल रही है और कब तक चलेगी और कब तक रिलीजिंग है? ये शूटिंग शुरू है 10 तारीख से और आई होप हम लोग अगली 10 तारीख तक ये फिल्म शूट करेंगे, 10 दिसंबर तक, 10 नवंबर से शुरू करके और ये रिलीज मेरे ख्याल से अगले साल के मध्य तक ये फिल्म आ जाएगी। फिल्म की क्या स्क्रिप्ट है, किस तरह से इसको ले रहे हैं जी? फिल्म की स्क्रिप्ट क्या है और किस तरह से ये आगे बढ़ रही है? इस फिल्म का जैसे छत्तीसगढ़ी फिल्मों का जो अक्सर विषय होता है पारिवारिक फिल्म है ये,
और साथ में लव स्टोरी है, एक इसका नाम है प्रेम के बंधना। वो प्रेम जो एक पिता पुत्र का होता है, वो प्रेम जो एक माँ बेटे का होता है, वो प्रेम एक जो प्रेमी प्रेमिका के बीच होता है, इन सारे संबंधों के आसपास घूम रही है। इसके अगर हम कमर्शियल उसकी बात करें, कमर्शियल चेहरे की बात करें, तो कैसा है छत्तीसगढ़ी फिल्मों का? छत्तीसगढ़ी फिल्मों का अर्थशास्त्र इस बात से समझा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ी फिल्में बहुत बढ़िया बिजनेस भी करती हैं, कुछ फिल्में अच्छा बिजनेस नहीं भी कर पाती हैं, क्योंकि हमारे पास सेंटर्स कम है। लेकिन आई होप यह फिल्म अच्छा बिजनेस करेगी, क्योंकि मेरी पिछली फिल्म बहुत अच्छा बिजनेस की थी, राजा छत्तीसगढ़िया। राजा छत्तीसगढ़िया 2 आने वाली है और उसके भी अच्छे संकेत मिल रहे हैं। मुझे लगता है कमर्शियली ये फिल्म भी अच्छी जाएगी। इसमें अभी हम देखते हैं बहुत न्यूनतम संसाधनों में आप लोग काम करते हैं, ये ऐसे में चुनौती बहुत होती है चीज़ों को करना, चीज़ों को निकालना और कर पाना, क्योंकि सारे लोग भी बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं होते, कुछ जुड़े होते हैं, उनके अपने और भी व्यवसाय होते हैं, रोजी रोटी होती है। ऐसे में किस तरह से आप इनको सबको डील कर पाते हैं चीज़ों? देखिए, हमारी मजबूरी कि हमें कम बजट में काम करना, क्योंकि हमारा मार्केट इतना बड़ा नहीं है, तो हम लोग कम संसाधन में बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं, ताकि हमें आउटपुट अच्छा मिल जाए, क्योंकि फिल्म बनाना तो हम लोगों का काम ही है। तो वो जितने संसाधन हमारे पास होते हैं उसमें बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश करते हैं और उसमें हम लोगों को सफलता भी मिलती है। आप 17 साल से फिल्म की इंडस्ट्री में हैं और छत्तीसगढ़ी में हैं, बॉलीवुड में जाने का इरादा? हाँ, बॉलीवुड से जब भी ऑफर आएगा तो बिल्कुल चला जाऊँगा, वैसे मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। कोई रफ रोड नहीं बनाया उसके लिए? बिल्कुल किसी तरह कोई प्लानिंग तैयारी नहीं है, कोई ऑफर आएगा तो जाएंगे, ऑफर आएगा तो देखा जाएगा, बाकी आई एम हैप्पी विद छत्तीसगढ़। इसके कमर्शियल ऑब्जेक्ट को अगले 10 साल में कैसा देखते हैं? मान लीजिए 2017 में 2025 तक छत्तीसगढ़ी फिल्मों का कोई संसार आप इमेजिन करते हैं, विजुलाइज करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल होगा। देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि हिंदी सिनेमा अब इंग्लिश सिनेमा हो गया, तो कहीं ना कहीं लोगों को अपनेपन की जब ज़रूरत होती तो वो रीजनल सिनेमा की तरफ देखने लगे हैं। आप देखेंगे साउथ में रीजनल सिनेमा का बूम है, पंजाबी सिनेमा भी अच्छा कर रहा है, भोजपुरी सिनेमा भी अच्छा कर रहा है, मराठी सिनेमा बहुत अच्छा कर रहा है, बंगाली सिनेमा अच्छा कर रहा है, उड़िया सिनेमा अच्छा कर रहा है। तो जब लोगों को अपनेपन की ज़रूरत होती तो फिर वो रीजन का सिनेमा देखते हैं, अपने रीजन का। गवर्नमेंट लेवल पर कोई ऐसी चीज़ ज़रूरत लग रही हो, कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ रिक्वायर्ड हो, जहाँ गवर्नमेंट सपोर्ट कर सकती है, वो क्या हो सकता है? गवर्नमेंट अभी शायद प्लान कर चुकी है कि वो छोटे सिनेमा घर बनाएंगे छोटी छोटी जगहों पर, उसके लिए कोई ऐसा कोई प्लान ला रहा है जिसमें प्रमोशन मिले इस बात को कि छोटे सिनेमा घर ज़्यादा से ज़्यादा बन सके। और साथ ही साथ फिल्म विकास निगम की भी बात चली, शायद बहुत जल्द उसका भी अनाउंसमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया लवली। ये आपकी छत्तीसगढ़ी कौन सी फिल्म है और कैसा आपका एक्सपीरियंस है? ये मेरी फोर्थ फिल्म है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस फिल्म, एंड इसमें काफ़ी सारे शेट है। आई एम वेरी फॉर्चुनेट, थैंक यू फॉर ऑल जिन्होंने मुझे कास्टिंग किया इसमें, एंड यस आई एम वेरी एंजॉयिंग दिस। क्या लगता है इस तरह की फिल्में जब आप आते हैं रीजनल सिनेमा में आते हैं तो क्या एक्सपीरियंसेस आपके होते हैं लोकल लोगों को लेकर के, लोगों को रिस्पांस देखते हुए कैसा लगता है? ये तो एक रिस्पांसिबिलिटी होता है एज एन आर्टिस्ट, हर शेड में आप काम कर सको, वो एक चैलेंज भी होता है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है रीजनल पिक्चर जब मैं करती हूँ, काफ़ी लोगों से इंट्रोड्यूस होता है, काफ़ी जो एक्टिंग का जो स्टेप है वो काफ़ी लेवल में होता है, सो इट्स नाइस। यू आर बेसिकली फ्रॉम? आई एम फ्रॉम कोलकाता, बॉर्न एंड वॉटर इन कोलकाता, नाउ आई एम सेटल्ड इन मुंबई। Then what are you doing there? Sorry? What are you doing there in Mumbai? Here I'm doing feature film also and I'm doing modeling. कोई ऐसी फिल्म जो अभी तक viewers के ज़हन में mark की हो Mumbai based? Mark तो मैंने मेरी जो first film थी उड़िया movie जिस Romeo the Lover Girl, this is my milestone I must be say. So this is very nice movie. छत्तीसगढ़ के सुपरस्टार अनुज जी, जी ये बताइए ये फिल्म की शूटिंग कब से चल रही है और कब तक चलेगी और कब तक रिलीजिंग है? ये शूटिंग शुरू है 10 तारीख से और आई होप हम लोग अगली 10 तारीख तक ये फिल्म शूट करेंगे, 10 दिसंबर तक, 10 नवंबर से शुरू करके, और ये रिलीज मेरे ख्याल से अगले साल
के मध्य तक ये फिल्म आ जाएगी। फिल्म की क्या स्क्रिप्ट है, किस तरह से इसको ले रहे हैं जी? फिल्म की स्क्रिप्ट क्या है और किस तरह से ये आगे बढ़ रही है? इस फिल्म का, जैसे छत्तीसगढ़ी फिल्मों का जो अक्सर विषय होता है, पारिवारिक फिल्म है ये, और साथ में लव स्टोरी है। एक इसका नाम है प्रेम के बंधना। वो प्रेम जो एक पिता पुत्र का होता है, वो प्रेम जो एक माँ बेटे का होता है, वो प्रेम एक जो प्रेमी प्रेमिका के बीच होता है, इन सारे संबंधों के आसपास घूम रही है। इसके अगर हम कमर्शियल उसकी बात करें, कमर्शियल चेहरे की बात करें, तो कैसा है छत्तीसगढ़ी फिल्मों का? छत्तीसगढ़ी फिल्मों का अर्थशास्त्र इस बात से समझा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ी फिल्में बहुत बढ़िया बिजनेस भी करती हैं, कुछ फिल्में अच्छा बिजनेस नहीं भी कर पाती हैं, क्योंकि हमारे पास सेंटर्स कम है। लेकिन आई होप यह फिल्म अच्छा बिजनेस करेगी, क्योंकि मेरी पिछली फिल्म बहुत अच्छा बिजनेस की थी, राजा छत्तीसगढ़िया। राजा छत्तीसगढ़िया 2 आने वाली है और उसके भी अच्छे संकेत मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है कमर्शियली ये फिल्म भी अच्छी जाएगी। इसमें अभी हम देखते हैं बहुत न्यूनतम संसाधनों में आप लोग काम करते हैं, ये ऐसे में चुनौती बहुत होती है चीज़ों को करना, चीज़ों को निकालना और कर पाना, क्योंकि सारे लोग भी बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं होते, फिर जुड़े होते हैं, उनके अपने और भी व्यवसाय होते हैं, रोजी रोटी होती है, ऐसे में किस तरह से आप इनको सबको डील कर पाते हैं चीज़ों? देखिए, हमारी मजबूरी कि हमें कम बजट में काम करना, क्योंकि हमारा मार्केट इतना बड़ा नहीं, तो हम लोग कम संसाधन में बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं, ताकि हमें आउटपुट अच्छा मिल जाए, क्योंकि फिल्म बनाना तो हम लोगों का काम ही है, तो वो जितने संसाधन हमारे पास होते हैं उसमें बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश करते हैं और उसमें हम लोगों को सफलता भी मिलती है। आप 17 साल से फिल्म की इंडस्ट्री में हैं और छत्तीसगढ़ी में हैं, बॉलीवुड में जाने का इरादा? हाँ, बॉलीवुड से जब भी ऑफर आएगा तो बिल्कुल चला जाऊँगा, वैसे मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। कोई रफ रोड नहीं बनाया उसके लिए? बिल्कुल, किसी तरह कोई प्लानिंग तैयारी नहीं है, कोई ऑफर आएगा तो जाएंगे, ऑफर आएगा तो देखा जाएगा, बाकी आई एम हैप्पी विद छत्तीसगढ़। इसके कमर्शियल ऑब्जेक्ट को अगले 10 साल में कैसा देखते हैं? मान लीजिए 2017 में 2025 तक छत्तीसगढ़ी फिल्मों का कोई संसार आप इमेजिन करते हैं, विजुलाइज करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल होगा। देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि हिंदी सिनेमा अब इंग्लिश सिनेमा हो गया, तो कहीं ना कहीं लोगों को अपनेपन की जब ज़रूरत होती तो वो रीजनल सिनेमा की तरफ देखने लगे हैं। आप देखेंगे साउथ में रीजनल सिनेमा का बूम है, पंजाबी सिनेमा भी अच्छा कर रहा है, भोजपुरी सिनेमा भी अच्छा कर रहा है, मराठी सिनेमा बहुत अच्छा कर रहा है, बंगाली सिनेमा अच्छा कर रहा है, उड़िया सिनेमा अच्छा कर रहा है। तो जब लोगों को अपनेपन की ज़रूरत होती तो फिर वो रीजन का सिनेमा देखते हैं, अपने रीजन का। गवर्नमेंट लेवल पर कोई ऐसी चीज़ ज़रूरत लग रही हो, कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ रिक्वायर्ड हो, जहाँ गवर्नमेंट सपोर्ट कर सकती है, वो क्या हो सकता है? गवर्नमेंट अभी शायद प्लान कर चुकी है कि वो छोटे सिनेमा घर बनाएंगे छोटी छोटी जगहों पर, उसके लिए कोई ऐसा कोई प्लान ला रहा है जिसमें प्रमोशन मिले इस बात को कि छोटे सिनेमा घर ज़्यादा से ज़्यादा बन सके, और साथ ही साथ फिल्म विकास निगम की भी बात चली, शायद बहुत जल्द उसका भी अनाउंसमेंट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या देखने आए हो? किसकी शूटिंग चल रही है? क्या फिल्म का नाम? प्रेम के बंधना। क्या करते हो आप लोग? लास्ट फिल्म कौन सी देखी थी? पैसे देखे।
कैसी फिल्म लगती हैं आपको? अच्छी लगती है, उसके नाम से देखी है। अनुज शर्मा को कब से जानते हो, कब से देखा हो? बचपन से जानते हैं, जब से उसका पिक्चर शुरू हुई तब से। तो अगर सलमान खान और अनुज शर्मा आसपास खड़े हों तो किसको पसंद करोगे? अनुज शर्मा को। सलमान खान को नहीं करोगे बॉडी शॉडी? नहीं नहीं, वो अपना है, अपने ही धर के करेंगे पसंद। अच्छा, कितनी फिल्में देखते हो आप? हर छत्तीसगढ़ी सब फिल्में देखते हैं। अच्छा, इसके अलावा और कभी जो एल्बम्स रिलीज होते हैं छत्तीसगढ़ी में वगैरह देखते हैं? सब अपना मोबाइल में है उसका। आप देखते हो फिल्में? देखता हूँ। अभी क्या हो रहा है यहाँ पर, कौन सी फिल्म की शूटिंग चल रही है? अभी तो यहाँ कोई शूटिंग वूटिंग नहीं चल रही है, अभी ये वाला कौन सा शूटिंग चल रही है। कब से इसको देखने आते हो? देखने आ रहे हो? अनुज शर्मा से मुलाकात हुई है आपकी? ना सर। कैसे हैं वो, आपको क्यों पसंद है उनकी, क्या चीज़ आपको पसंद है? एक्टिंग बहुत पसंद है। अच्छा, पसंद है। अच्छा, मुलाकात हुई है आपकी? ना सर। अभी फ़ोटो खिंचवाया उनके साथ? आमिर खान और सलमान खान और अनुज शर्मा, तीनों अगर एक साथ खड़े हो सबसे पहले किसका ऑटोग्राफ लोगे? अनुज शर्मा, छत्तीसगढ़ी हीरो है। अभी यहाँ क्या चल रहा है? शूटिंग चल रहा है। आप देखने आते हो रोज? रोज तो नहीं आता मैं। किसकी किसको देखने आए आप यहाँ पर? किसको देखने आए हो आप यहाँ पर? फिलहाल शूटिंग देखने आया हूँ। अच्छा, हीरो और हीरोइन को जानते हो क्या? नहीं नहीं जानता। आपकी भूमिका क्या है इस फिल्म में? मैं इसमें अनुज जी का बड़ा भाई बना हूँ। पॉजिटिव रोल है? पॉजिटिव। किस तरह का रिस्पॉन्स रहता है, किस तरह के वो परेशानियों का सामना करना पड़ता है इस तरह की, जब फिल्मों की शूटिंग पे जाते हैं आप और बनाते हैं? अपने लिए तो कुछ अब लगता ही नहीं है कि कोई ऐसा कोई परेशानी महसूस नहीं होती। कैसा रिस्पॉन्स रहता है फिल्मों का? यही काम कर रहे हैं, ये तो हमारा प्रोफेशनल काम है। कितना मतलब कितनी फिल्मों में काम कर चुके होंगे आप? मैं कम से कम 36-38 फिल्मों का। रिस्पॉन्स कैसा रहा है, आपके कैरेक्टर को रिकॉग्निशन मिला लोगों के बीच में, आपकी पहचान बनी? तो फिल्म रिलीज होगी तो फोन में आएगा क्या रिस्पॉन्स? आपकी भूमिका क्या है इस फिल्म में? जी मेरी भूमिका अनुज के पिता की है, पॉजिटिव जी। इस तरह की फिल्में जब शूट करने जाते हैं आप, तो आपको एक कैरेक्टर रिकॉग्निशन भी मिलता है लोगों के बीच में, लोग आप की एक पहचान बन पाती है, लोग समझ पाते हैं? हाँ बिल्कुल बनती है। हम लोग तो रंगमंच से शुरू से रंगमंच से जुड़े रहे, अभी तनवीर साहब के साथ, उसके बाद फिल्में आई तो फिल्मों से जुड़े रहे। छैया मैया पहली फिल्म थी मेरी जिसमें प्रिंसिपल की भूमिका, उसके बाद मोर संग चलो छत्तीसगढ़ महतारी में विलेन और टूरा रिक्शा वाला में विधायक, सारी भूमिकाएं। सज्जम और में फिर अनुज के मतलब बाल पोस के बड़ा किया था, पिता की भूमिका समझ मेरी बेटी से शादी होती है, वो इस तरह से काफ़ी फिल्में हो गई हैं। मज़ेदार एक रोल है, मज़ेदार बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कैरेक्टर है इसमें। पिता पुत्र का जो रिश्ता है, चुगलबाजी का और कॉमेडी भी है और हंसी मजाक, एक संबंध को दर्शाया गया है बहुत अच्छे तरीके से। बहुत बहुत पारिवारिक, बहुत अच्छी फिल्म है और इसमें आपको सब चीज़ें मिलेंगी। इसमें फाइट भी है, इमोशंस हैं, सारी चीज़ें मिलेंगी, कॉमेडी है, बहुत मज़ा आएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें इसके कमर्शियल ऑब्जेक्ट की, सारी फिल्मों की, नॉट पर्टिकुलर दिस, सारी फिल्मों में छत्तीसगढ़ी जो फिल्में बनती हैं उनके कमर्शियल ऑब्जेक्ट्स को कैसे आप डील करते हैं, कैसे इनके खर्चे को एकोमोडेट करते हैं, कैसे मतलब रिस्पॉन्स निकलता है? कई बार लॉसेस भी आते होंगे? आते हैं, लेकिन देखिए मैं मेरा कहना ये है कि आप अच्छी फिल्में बनाएंगे निश्चित ही फिल्में चलेंगी। और अनुज तो यहाँ के सुपरस्टार हैं, मजे हुए, उनकी मैक्सिमम फिल्में बहुत अच्छी रहती हैं, अच्छी कहानी रहती है। अच्छा, सारे कोई स्टार अच्छे हैं, ये फिल्म निश्चित चलेगी, आप मान ही जाइए। क्या भूमिका है आपकी फिल्म में? मैं फिल्म में खलनायक की भूमिका में। अच्छा, तो आप अभी हीरो को मारने वाले हैं? अभी तो नहीं, लेकिन
कल परसों से शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये फाइटिंग के सीन्स वगैरह कोई प्रोफेशनल्स में हायर करते हैं या कैसे करते हैं फाइटिंग के सीन्स कैसे बनाते हैं? अबे नीरज से आते हैं फाइट मास्टर, मेरे ख्याल से साउथ से आ रहे हैं। क्या रोल है आपका इसमें? इस तरह की फिल्में जब आपने की होंगी और भी जितनी फिल्में की, कैसे रिस्पांस रहता है इन फिल्मों का, लोगों का, फिल्मों का रिस्पांस कैसा आता है कमर्शियल ऑब्जेक्ट्स अगर देखें तो? देखिए बहुत कम फिल्में की हैं मैंने और जहाँ भी काम किया है लोगों ने पसंद ही किया है और बस वही है क्योंकि मैं चुन के उठाती हूँ फिल्में तो फिल्मों का मतलब स्क्रिप्ट के हिसाब से वो भी अच्छा ही रहता है, डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं कुछ भी फिल्में अच्छी लेती हूँ तो ये फिल्म भी वैसी ही है और इसको क्या बोलना चाहिए, उम्मीद करती हूँ कि लोग इसको ही पसंद करेंगे। यानी छत्तीसगढ़ी फिल्मों का दिन बहुत अच्छे आने वाले हैं और बहुत अच्छा वक्त कह सकते हैं इसमें अगर हम देखें लोग बहुत पसंद करते हैं चीज़ें, मतलब कई स्क्रीन्स में आप रिलीज़ होने लगी हैं, एक साथ का कॉन्सेप्ट भी अभी बात कर रहे थे हम अनुज जी से तो उन्होंने बताया कि 35 स्क्रीन्स में एक फिल्म रिलीज़ होने जा रही है जो रिकॉर्ड होगा अपने 17 के बाद, अभी तक 17 स्क्रीन्स हुई थी, तो क्या लगता है इससे कुछ कमर्शियल बूस्ट आएगा? बिल्कुल, लोग अब सजग हो रहे हैं, फिल्मों को लेके पसंद करने लगे हैं, आर्टिस्ट लोग काम बेहतर करने लगे हैं, प्रोडक्शन और डायरेक्शन के हिसाब से भी लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, रिस्पॉन्स भी मिल रहा है उनको, ऐसा तो डेफिनेटली हम लोग के लिए ये एक अच्छा इंडिकेशन है और हम लोग को एक मोटिवेशन मिलता है। बिल्कुल जी, कि हम भी और बेहतर और बेहतर और बहुत और प्रोफेशनली इसको ड्राइव करें। थैंक यू। आपकी फिल्म में क्या भूमिका है? मेरी इसमें मैं ये अनुज जी जो रोल कर रहे हैं मैं उनके दोस्त का रोल कर रहा हूँ। मेरा फिल्म में किरदार का नाम है गब्बर। तो ये गब्बर मतलब क्या, शोले से उठाए हुए गब्बर टाइप? शोले से गब्बर नहीं है, ये एक्चुअली नाम तो राइटर रखता है जो स्टोरी लिखता है, तो उसने ही ये नाम उसको अच्छा लगा गब्बर, क्योंकि वो जो मेरा कैरेक्टर है वो कॉमेडी कैरेक्टर है तो विलेन का नाम रख दिए तो अच्छा लगेगा, एक्सपेरिमेंटल है। अभी तक की जो फिल्में रही हैं इनमें कैसा रिस्पॉन्स आपका रहा है, आपकी फिल्मों को लेकर या आपका अनुभव कैसा रहा है छत्तीसगढ़ी? हर फिल्म शून्य से स्टार्ट होती है, हर फिल्म का कहानी नया होता है, हर फिल्म की स्टोरी नई होती है, तो हमारे लिए हर फिल्म एक नया एक्सपीरियंस होता है। हर फिल्म जीरो से स्टार्ट होती है और 100 में ख़त्म होती है। इसका कमर्शियल अगर देखें हम सारी छत्तीसगढ़ी फिल्मों का, तो पिछले अगर 15 सालों का एनालिसिस करें तो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है दर्शक वर्ग, और कमर्शियली इनमें थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, प्रोफेशनलिज्म बढ़ रहा है? नहीं, देखिए इंडस्ट्री तो हमारी, हम लोग खून पसीना सींच के इसको डेवलप कर रहे हैं, बट क्या है गवर्नमेंट का कोई थोड़ा सा भी सहयोग जो है वो फिल्मी कलाकारों को या टेक्नीशियन को या प्रोड्यूसर को डायरेक्टर को नहीं है। अगर गवर्नमेंट भी कुछ सहयोग, फिल्म विकास निगम बना दे, फिल्म सिटी बना दे, सब्सिडी दे, तो क्या है कि ये रीजनल लैंग्वेज मूवी या सिंगल स्क्रीन 35 सेंटर है मात्र पूरे छत्तीसगढ़ में, तो वो डेवलप हो, थोड़ा सा डेवलप हो जाएगा, तो शासन का थोड़ा सा रुझान और छत्तीसगढ़ी सिनेमा की ओर होना चाहिए। इसमें आपकी भूमिका क्या है? इसमें मैं मेन विलेन का, एक सेकंड यार, ऐसे नहीं करना चाहिए सामने से आपको, प्लीज 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 प्लीज, डोंट वरी, फिर आप कैसे ड्रॉप करेंगे? कर लूंगा मैं, आप करियो। मैं मेन विलेन का भूमिका, अरे विलेन नहीं बोलते रे पागल, इससे पहले किस तरह की फिल्मों में? अब नहीं, अब रहने दे, अब वो पूरे ही वैम बोलते हैं, वैम आपको डिस्टर्ब कर। आपकी भूमिका क्या है? करना तो इसमें मैं अनुज की भाभी की माँ का रोल कर रही हूँ, इसमें हम दोनों खलनायिका, ना माँ बेटे और बेटी, तीनों खलनायिका का रोल। ये आपकी बेटी है और आप माँ बनी है, अनुज जी की आप भाभी बनी है? हाँ, वो मेरी बेटी भाभी बनी है। अच्छा, भाभी आप हैं और उनकी माँ आप हैं, यानी पूरा मेलो ड्रामा, पूरा पारिवारिक ड्रामा। ये फिल्म कब से शूट कर रहे हैं, कब तक रिलीज करने का ऑब्जेक्ट है, किस तरह की फिल्म है ये? छत्तीसगढ़ी की अपनी एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसको छत्तीसगढ़ के माटी से जोड़ के बनाया गया है। ये छत्तीसगढ़ी फिल्म है,
और इसको छत्तीसगढ़ की माटी भी से जोड़ के बनाया गया है। और इस फिल्म की सबसे अच्छी बात है इसमें एक बॉलीवुड के जो सबसे बड़े गायक है उदित नारायण जी, उन्होंने इसमें प्लेबैक किया है। और इस फिल्म की शूटिंग अपन 10 नवंबर से शुरू किए और ये जुलाई अगस्त में रिलीज जाएगी। और इसमें जो कलाकार लेते हैं, मतलब आपकी ये और भी फिल्में इससे पहले रिलीज़ हुई होंगी, कैसा अनुभव रहा है और इस फिल्म को लेकर कैसा अनुभव रहा? मेरी जो पिछली फिल्म थी चंदू और चांदनी, उसमें हमने बॉलीवुड के 3 आर्टिस्ट लिए थे और उसका हमको अच्छा रिजल्ट भी मिला। बिलासपुर में हमारी पिक्चर 50 दिन कम्प्लीट की और इसमें भी हमने छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े स्टार अनुज शर्मा के लिए है और उम्मीद कर रहे हैं कि ये भी पिक्चर अच्छी और हो सकता है 100 दिन भी चले। पिछले 15-16 साल में अगर हम पूरा रिव्यू करें छत्तीसगढ़ी फिल्मों का, तो कैसा रिस्पांस रहता है फिल्मों का दर्शकों की तरफ से? दूसरा, बाज़ार किस नज़रिए से फिल्मों को देखता है? बाज़ार अगर बोलेंगे तो छत्तीसगढ़ में टेरेटरी कम है, मतलब पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 37 थिएटर है जहाँ पिक्चर रिलीज होती है और उस हिसाब से बजट ज़्यादा तो लगा नहीं सकते, कम बजट की पिक्चर लानी पड़ती है और बहुत कम कंप्रोमाइजर की पिक्चर लानी पड़ती है, तो ज़्यादा अच्छी पिक्चर हम नहीं बना पाते। लेकिन बहुत सारी पिक्चरें हैं जो अपने बजट से बहुत अधिक मात्रा में कलेक्शन लिया, यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एकहरी स्क्रीन्स पर ही ज़्यादातर आपकी फिल्में होती हैं, मल्टीप्लेक्सेस में अभी फिल्में नहीं है। और गवर्नमेंट से अगर हमको कुछ फ़ायदा मिला, अगर गवर्नमेंट हमारे सपोर्ट करी तो हो सकता है आगे चलकर ये साउथ के जैसा कुछ हो सके। गवर्नमेंट्स किस तरह के सपोर्ट की अपेक्षा करते हैं? अभी एक चल रहा है प्रोग्राम जिसमें आपका छत्तीसगढ़ी फिल्म विकास निगम बनाने की बात चल रही है और आश्वासन दिया गया है और यदि ये बन जाती है तो और फिल्मों को सब्सिडी मिलना शुरू हो जाएगी, इससे फिल्म इंडस्ट्री को बहुत सपोर्ट मिलेगी। और होप्स हो कि आपका जो आने वाला दौर है छत्तीसगढ़ी फिल्मों का, वो एक नए आयाम रचे। क्या ऐसा लगता है कि इसका दायरा अगर बढ़ाया जाता है, यानी बात की जाती है जबलपुर तक छत्तीसगढ़ी भाषा को, बोली को समझा सुना जाता है, जबलपुर से करीब 100 किलोमीटर पहले तक इस बोली के बोलने वाले भी थोड़े से मिल जाते हैं, बहुत तो नहीं लेकिन फिर भी बोलते हैं, समझते हैं, मंडला तो कम से कम छत्तीसगढ़ का एक अच्छा प्रभाव है, उमरिया है, शहडोल है, तो दायरा बढ़ाने की आवश्यकता लगती है कि वहाँ भी आपको अपने यदि इसको MP और छत्तीसगढ़ में दोनों जगह ही होने लगी पिक्चर, तो पिक्चर की बजट की जो प्रॉब्लम है, जो हम लोग बहुत कंजस्टेड करके बहुत कम बनाने की कोशिश करते हैं, इसको बढ़ाया जा सकता है और बढ़ाने से पिक्चर अच्छी बनेगी और इससे फिर हो सकता है कलेक्शन और ज़्यादा दम ब्लास्टिंग हो जाए। छत्तीसगढ़ी फिल्मों का अपना एक संसार है, करीब 17-18 साल से लगातार फिल्में बन रही हैं, ऐसे तो कहने को कई देवे संदेश इस दौर की एक ऐसी फिल्म जो करीब 50 साल पहले यहाँ बनाई गई थी, उसके बाद से एक वैक्यूम आया, फिर 2000 के बाद से फिल्में जैसे राज्य बना तो फिल्में बनना शुरू हुई और काफ़ी एक बड़ा व्यवसाय धीरे धीरे करके ये रूप ले रहा है। हालांकि अभी भी बहुत सी चीज़ें हैं जो बना पाती हैं, लेकिन बड़े व्यापक स्तर पर लोग चीज़ों को पसंद कर रहे हैं, बड़ा एक दर्शक वर्ग खड़ा हो रहा है और कमर्शियली भी अब फिल्में जो हैं कमाल लगी। तुम्हारी बात हो रही थी कि इस इन फिल्मों से जुड़े हुए जो लोग हैं वो एक तरह से अपने किसी दूसरे व्यवसाय में भी लगे हुए हैं, कोई अपनी दुकान है, किसी का कोई व्यवसाय है, कोई किसी नौकरी में, लेकिन उनका एक जज्बा है, एक उनका एक सुकून है अंदर का, वो उसको कर रहे हैं और इस तरह की एक इंडस्ट्री यहाँ पर तैयार हो रही है छत्तीसगढ़ी फिल्मों की, जो अपने आप में देश के अंदर एक उदाहरण बनेगी, जहाँ ऐसे पेशेवरान लोग इकट्ठा हुए हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से हैं लेकिन सिर्फ कला के लिए जीने आए हैं, कला के लिए चलने आए हैं। बहुत बड़ा कमर्शियल सिनेमा नहीं है, कोई ये नहीं कहता कि पहले हफ्ते में सलमान खान की फिल्म की तरह करोड़ों का कारोबार करती हूँ या लाखों का कारोबार करती हूँ, बहुत छोटी सी राशि से कारोबार करती हूँ, लेकिन जज्बा इनका सलाम है। मैं वरुण सखा जी, पत्रिका न्यूज़, और मैंने नॉन रिकॉर्डिंग किया। अच्छा, उसको फिर से करना पड़ेगा अलग से। रिकॉर्डिंग चल रहा था।